भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि वे पार्टी को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बावनकुले ने साफ साफ कह डाला कि वे सन्यासी नहीं हैं और जो भी भाजपा में आना चाहे उसका स्वागत है। कहा जा रहा है कि बावनकुले का यह इशारा कांग्रेस नेता बाला साहब थोरात को लेकर था। हालांकि बावनकुले ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी किसी को कोई ऑफर नहीं दे रही है, बल्कि जो आएंगे उनको उचित सम्मान दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आणि राज्याचे नेते देवेंद्र जी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून अनेक पक्षातले कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करताय ना, आम्ही तर काही संन्यासी आहोत का? आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सक्रिय काम करणारे कार्यकर्ते आहोत, त्यामुळे आमचा पक्ष वाढवायचं काम आहे। ज्यांचे घर माती झाले आहे त्या मातीच्या घरात कोणी राहायला तयार नाही, ते थोडासाही पाऊस आला का ते घरं पडतात आणि लोकं आमच्याकडे राहायला येतात, तर मग आम्ही त्यांना थोडी थांबवू शकणार आहे। आम्ही कोणाच्या घरी जाणार नाही, आम्ही कोणाला हे म्हणणार नाही आमच्या पक्षात या, पण भारतीय जनता पार्टीत जर कोणी आलं तर आम्ही त्यांचा प्रवेश करून त्यांना सन्मान देऊ। जो आज सन्मान त्यांचा त्या पक्षात आहे त्यापेक्षा जास्त सन्मान भाजपमध्ये मिळेल। सावनेर के विधायक व पूर्व मंत्री सुनील केदार का दावा है कि बाला साहब थोरात कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। इसके साथ ही केदार ने नाना पटोले और बाला साहब थोरात के बीच चल रहे मतभेदों पर खेद जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर चल रहा मनमुटाव पार्टी के भीतर ही दूर किया जाना चाहिए, न कि मीडिया के बीच जाकर। काही लोको त्या शिवसेनेत गेले, काही लोको पक्ष सोडून राष्ट्रवादी पक्षात गेले, असं सगळं झालं। काही लोक जनता पक्षात गेले, तरीही थोरात कुटुंब हे पहिलेपासून काँग्रेससोबत राहिलं आहे, आजही आहे, आणि मी एक काँग्रेसचा कार्यकर्ता असून तर पुढेही ते राहतीलच, त्याच्यामध्ये आमच्या मनामध्ये शंका नाहीच। पण हा जो काही विषय आज दुर्दैवानं मीडियाच्या माध्यमातनं चर्चेला येतो आहे, ते पक्षाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत चुकीचं आहे। पक्षाला मजबूतीकरण नेण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा एक टाकलेलं पाऊल हे कुठेतरी मागं होत आहे, असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही असं माझं ठाम मत आहे। आणि हा पक्षाच्या अंतर्गत कलह हा पक्षाच्या अंतर्गत चार भिंतीतच सुटला पाहिजे, असं आमची माझी स्वतःची व्यक्तिशी आग्रही भूमिका 15 तारखेला आपल्या त्याच्याकडे पाहिली। रामटेक के निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल ने शिंदे फडणवीस सरकार से नाराज होने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किए जाने से शिंदे गुट के विधायक नाराज हैं, लेकिन आशीष जायसवाल ने इन खबरों को अफवाह बताया है। मंत्रिमंडल विस्ताराच्या संदर्भामध्ये केव्हा होईल हे सांगण्यासाठी मी सक्षम माणूस नाही। आपण माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना संदर्भात प्रश्न विचारला तर जास्त योग्य। 100% मंत्रिमंडळ विस्तार लवकर झाला पाहिजे, कारण की आज 20 मंत्र्यांच्या कामामुळे त्यांच्यावर कामाचा लोड आहे। जर जास्त मंत्री झाले तर अधिक जोमाने जे सरकारच्या योजना आहेत त्या अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवतील, आजही राबवल्या जात आहे, परंतु उद्या त्याला जेवढे आमदार मंत्री झाले तर तेवढं जास्त प्रमाणात सरकारचं काम गतिमान चालू शकेल। हे बघा, आमच्या मंत्रिपदापेक्षा महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय मिळणं जास्त महत्त्वाचं आहे। तुम्हाला मी कधी मंत्रिपदाच्या संदर्भामध्ये मागच्या सरकारमध्ये आणि यावेळेसही नाराजगी व्यक्त केली नाही। मला आत्मविश्वास आहे की सरकारचे जे चालवणारे लोक आहेत ते आपल्या सत्सद्विवेकबुद्धीने सिनियरिटी, कर्तृत्व, काम, रिजनल बॅलन्स या सर्व बघून मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेतील, आणि त्या निकषामध्ये कुठलाही ते कोणावर अन्याय करणार नाही, कोणावरही, माझ्यावर काय कोणावरही, असं मला ठाम विश्वास आहे। त्यामुळे मला वाटतं की ते योग्य तो निर्णय घेतील। नागपुर पुलिस की सामाजिक सुरक्षा विभाग की अपराध शाखा ने नरेंद्र नगर के एक होटल में चल रहे देह व्यापार के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नरेंद्र नगर के श्रद्धा इन नाम के होटल में दलालों के मार्फत जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा है। ये जो ओए होटल सर, बाकी के भी जो होटल्स रहते हैं उसमें लड़कियां सप्लाई करते हैं दलाल, ऐसे हमने मतलब माहिती हमें मिली थी, उसके आधार पे हमने उसके इन्फॉर्मेशन में हमने कार्रवाई शुरू कर दी। तो हमें ऐसा पता चला कि ये जो श्रद्धा इन होटल है, बेलतरोड़ी हत्ती में ये होटल है, वहाँ पे अलग अलग दलाल लड़कियाँ सप्लाई करते हैं। हमने दो ऐसे पंटर भेज के दो विक्टिम्स हमें मिले वहाँ पे, तो दोनों दलालों ने वैसे वो लड़कियाँ भेजी थी। तो दो दलाल में से एक जो दलाल है उसका नाम है नीरज गणेश अटेमरे, वह 26 साल रहना अजनी हत्ती में रामेश्वरी में रहता है वो।
उसने भेजी थी एक लड़की, और दूसरी जो है वो रेहान रमजान शाह करके है, वो जो है ये रेहान रमजान शाह, ये नेवासा नगर का रहने वाला है। वहाँ से लड़कियाँ मतलब नागपुर की ही दोनों लड़कियाँ थी, वहाँ से उसकी लिंक है, यहाँ पे बड़ो वो लड़कियाँ सप्लाई करता है। कांग्रेस नगर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान 43 वर्षीय महिला शीतल विकास यादव की दर्दनाक मौत हो गई। शीतल यादव नागपुर महानगर पालिका के धमतोली ऑफिस में जन मृत्यु विभाग में क्लर्क के रूप में काम करती थी। रोजाना की तरह ही शीतल अपने दो पहिया वाहन से दफ्तर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में खड़े टाटा यस के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। गाड़ी के दरवाजे से टक्कर लगने के बाद शीतल रास्ते पर गिर पड़ी और इसी बीच पीछे से आ रही एसटी बस ने उन्हें कुचल दिया। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले शीतल के पति का भी एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। नागपुर के अग्रसेन चौक में मंगलवार देर रात एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम परवेज शेख व पापा मिया शेख बताया गया है। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेनदेन में हुए विवाद के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में तहसील पुलिस ने आरोपी परवेज याकूब खान सहित 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश की जा रही है। दिव्यांगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज एक जनजागृति रैली निकाली गई। शंकर नगर स्थित मूक बधिर विद्यालय की ओर से निकाली गई इस रैली के दौरान विद्यार्थियों ने सांकेतिक भाषा में मतदान और मताधिकार के प्रति अपनी बात रखी। दरअसल निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर दिव्यांगों के मताधिकार को लेकर प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन मूक बधिर लोगों तक ये संदेश उचित तरीके से नहीं पहुंच पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब संस्था ने एक गीत के जरिए मूक बधिरों को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास शुरू किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कल से नागपुर के जैमथा स्थित VCA स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शुरू होने के पहले ही पिच को लेकर विवाद जारी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने तो सीधे तौर पर नागपुर की पिच से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसी को लेकर जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि ध्यान मैच पर होना चाहिए न कि पिच पर। हालांकि रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि पिच स्पिनरों के लिए मददगार साबित होगी। नागपुर शहर में पानी की समस्या को लेकर शिवसेना के उद्धव गुट ने मटका फोड़ आंदोलन किया। शिवसेना के शहर प्रमुख नितिन तिवारी के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन के दौरान OCW के कर्मचारियों का घेराव किया गया। आरोप है कि पानी की आपूर्ति करने में शहर के नागरिकों से भेदभाव किया जा रहा है। टैंकर की कमी से नागरिक परेशान है और 45 मिनट तक धीमी गति से पानी आता है। तिवारी ने कहा कि भाजपा नेताओं ने 24 घंटे जल आपूर्ति करने का वादा किया था और यह वादा निराधार साबित हुआ है। नागपुर के मेयो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की मांग को लेकर मंगलवार को नर्सों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल को मेयो अस्पताल में सेवारत 150 से अधिक नर्सों का समर्थन मिला। नर्सों की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने मेयो के डीन डॉक्टर संजय बिजवे से मुलाकात की और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का आश्वासन मिलने के बाद ये हड़ताल खत्म हुई। इस हड़ताल से मेयो के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। गौरतलब है कि मेयो हॉस्पिटल में काफी वर्षों से नर्सिंग स्टाफ की कमी है, लेकिन मेयो प्रशासन इसकी अनदेखी करता आ रहा है।